काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश अजब है गजब है, बता दें कि एक बार फिर से मध्य प्रदेश में अजब गजब मामला सामने आवा है, जो जान के शायद अपनों हैरान रह जाओ। नाग नागिन का बता दें कि अद्भुत प्रेम कलई के कई एक मेर के कहानी प्रचलित हैं, ये पर कई फिल्मों बन चुकी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के मैहर में नाग नागिन के प्रेम के एक दुर्लभ मामला सामने आवा। यहाँ एक नागिन के मौत के बाद नाग के द्वारा विरोध कई की और रोड जाम कई दिन का। रोड में मरी परी नागिन के पास नाग घंटन बैठा रहा, ये दौरान यातायात प्रभावित भा। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महा पूजा अपना पंचे सब जन इनका प्रणाम करते शुरू करते वायरल खबर से बता दी कि मैहर से यह घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक रोड से गुजरे वाले लोगों के द्वारा नाग और नागिन की अद्भुत प्रेम की दुर्लभ तस्वीर अपने मोबाइल कैमरा में कैद की गए, जो उनके अब तेजी से वायरल हो रहा है। मामला मैहर के मुकुंदपुर के पास के बतावा जाता है, जहाँ रीवा की ओर आवे वाली सड़क पर कोनो वाहन से रोड क्रॉस करे वाली नागिन का कुचल दिन का, जिससे नागिन के सड़क पर जान चली गई। जेके बाद जौन भा ओका देख के लोगन का अपने आँख पर भरोसा नहीं होत रहा। वीडियो का देख के बता दी कि अपनों का यकीन न हुए। नागिन के मौत होए के बाद एक बड़ा सा नाग रोड पर पहुंच गया। रोड पर मड़ी परी नागिन के पास नाग काफी देर तक घूमत रहा, मानो नाग रोड जाम कई के नागिन के मौत के विरोध जताए रहा। नागिन के मौत के विरोध में नाग कब रोड पर लहराता हुआ रेगा देखा जाए तक वो नागिन के पास जाए के फन फैलाए के बैठ जात। करीब 2 घंटा तक यह नजारा चला। नाग और नागिन के रोड पर होए के कारण वाहनन की आवाजाही रुक गए। कुछ लोगों के द्वारा इस दौरान सांप का भगावे के कोशिशों की गए, लेकिन इस दौरान सांप के रौद्र रूप देख के लोगों की हिम्मत नहीं भे। करीब 2 घंटा बाद सांप जब वहां से निकला, तब जाए के रोड से आवागमन शुरू हुआ। देखी वायरल वीडियो, सजग रही सतर्क रही रखी आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत प्रणाम। और रीवा के लिए जा रहा था तो बैसा के पास एक नागिन को ट्रक में कुचल के चला गया। तो उसका नाग बीच रोड में था, दोनों तरफ पब्लिक खड़ी हुई थी, लगभग 2 घंटे जाम लगे थे।